और वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने मिशन गंगा को और तेज कर दिया है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से सातवां विमान मुंबई पहुंच चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच 6 दिन से जारी युद्ध के बावजूद मिशन गंगा बिना रोकथाम के लगातार आगे बढ़ रहा है। खुद भारत सरकार ने भी एक भारतीय को यूक्रेन से निकालने को पहली प्राथमिकता बताया है। और इस वक्त आपको बता दें कि दिवाकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो मुंबई एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं। दिवाकर, प्लेन आ चुका है, फ्लाइट आ चुकी है, किस तरीके की हलचल इस वक्त आप एयरपोर्ट पर देख पा रहे हैं? दिवाकर, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए जी शिवानी, जी, यहां, जी, जी जी दिवाकर शिवानी, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले ही जो एयरक्राफ्ट बुखारेस्ट से चला था वो मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है। 7:30 बजे के आसपास ये लैंडिंग हुई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसी रास्ते से जो तमाम 182 छात्र हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। जो केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे, उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और उनको रिसीव करने के बाद एक एक करके वो छात्र बाहर आएंगे। लेकिन जिस तरह से छात्र यहां पर पहुंचे हैं उनको यहां पर लेने के लिए जो है तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। ये देखिए, ये हिमाचल गवर्नमेंट से यहां पर आए हुए हैं बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि इनकी जानकारी मिली है कि हिमाचल से तमाम बच्चे इस एयरक्राफ्ट के जरिए मुंबई आए हैं। ये बताइए कि आप क्या बच्चों को लेने के लिए आए हिमाचल से? जी जी नमस्कार, हम हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बच्चों को लेने के लिए? जी 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 जी, अभी ये अंदर मालूम पड़ेगा कि बच्चे यहाँ पे हमारे साथ हमारी जगह में यहाँ पे रुकेंगे या फिर कनेक्टिविटी फ्लाइट के हिसाब से वो चंडीगढ़ या दिल्ली जाएंगे। अच्छा, तो सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं जी लेने के लिए? जी जी, सबके सब ऐसे ही। और हम गवर्नमेंट को बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस मौके पे जो हमारे बच्चे हमारे परिवार जो परेशान है, गवर्नमेंट पूरा का पूरा सपोर्ट कर रही है। नरेंद्र मोदी, भारत सरकार का धन्यवाद, सरकार का धन्यवाद, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, सल्यूट। शायद आप नहीं होते चीज मुमकिन नहीं होते। पिछले दिन में हमारे चीफ मिनिस्टर हिमाचल जयराम ठाकुर जी ने बच्चों से कॉन्फ्रेंस में बात की थी, बच्चे काफी डरे हुए हैं। जानकारी दी गई है कि हिमाचल के बच्चे इस फ्लाइट में? जी हाँ, हिमाचल के बच्चे भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र के बच्चे भी आ रहे हैं, यूपी बिहार के भी आ रहे हैं, पंजाब के भी आ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा शिवानी, क्योंकि तमाम जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं एक एक करके लोगों से बात करता हूँ। यहाँ पर देखिये, ये लोग लेने के लिए आए हैं। सर, बच्चे को लेने के लिए आए हुए यहाँ पे? हाँ जी। कहाँ बच्चा आपका कहाँ फंस गया था, कुछ जानकारी? यूक्रेन में विनिचा कॉलेज। बिल्कुल, आपको जानकारी दी गई है कि एयरक्राफ्ट में आपका बच्चा आ रहा है? हाँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन सब कुछ है। इन्फॉर्मेशन दी गई? दी गई नहीं, हम लोगों ने निकाला जोर से। अच्छा, निकाला आपने? हाँ जी। तो जाहिर तौर पर देखिए, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं और कुछ लोगों से अगर बात करूं तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो तमाम जो लोग आपको नजर आएंगे ये उन्हीं बच्चों को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि जिनको जानकारी दी गई है कि उनके बच्चे इस वक्त जो है यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। और जब से फ्लाइट लैंड हुई है सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर आप देखेंगे तो बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जो ये बच्चे हैं वो यहाँ से निकलना शुरू होंगे। और जाहिर तौर पर मुंबई में ये दूसरी फ्लाइट लैंड हुई है और ये दूसरी फ्लाइट में इससे पहले जो है 219 बच्चे जो है पहली फ्लाइट से मुंबई आए थे और उसके बाद ये दूसरी फ्लाइट है जिसमें 182 बच्चे जो है मुंबई पे फ्लाइट के जरिए लैंड हुए हैं। तमाम पेरेंट्स हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, वो उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं ताकि ये बच्चे सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच सके। शिवानी जी बिल्कुल, और मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर भी हम देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और भव्य स्वागत वहां पर। जो बच्चे यूक्रेन फंसे हुए थे, मेडिकल की पढ़ाई वहां पर वो करने गए हुए थे, लेकिन युद्ध की स्थिति बनी और वहां पर हलचल पैदा हुई। उसके बाद लगातार वो गुहार लगा रहे थे कि उनको जैसे तैसे भारत लाया जाए और भारत सरकार ने फिर चलाया मिशन गंगा, जिसके तहत तमाम जो फ्लाइटें हैं वो लगातार आ रही हैं इन बच्चों को लेकर। और आज सुबह की तस्वीर आप देख लीजिए मुंबई एयरपोर्ट की, ऑपरेशन गंगा से वतन वापसी हो रही है इन छात्रों की, जो मेडिकल के छात्र थे वहां पर पहुंचे हुए थे, यूक्रेन में ये फंसे हुए थे। और दिवाकर लगातार मुंबई एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जो वहां पर परिजन हैं उनके चेहरे पर भी आज एक सुकून देखने को मिल रहा है क्योंकि उनके बच्चे लौट कर आ गए हैं। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि सभी इस बात की टेंशन में थे कि जो उनके बच्चे वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो कैसे आएंगे, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो अलग अलग जो यूक्रेन के बॉर्डर्स हैं के राज्य हैं देश हैं वहां पर जो है उन्होंने भेजा उन्हें, और उसके बाद से तमाम आप देख सकते हैं चाहे वो दिल्ली में तमाम फ्लाइट्स लैंड कर रही हैं बच्चों को लेकर या फिर मुंबई में ये दूसरी फ्लाइट है जब ये 182 बच्चों को लेकर लैंड हो चुकी है। लेकिन आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो परिजन हैं उनके चेहरे पर जसा तौर पर खुशी झलक रही है। सर, आप बच्चे को रिसीव करने के लिए? जी जी। कहाँ पर आपका बच्चा फंसा हुआ था, कुछ जानकारी? कैसे सरकार को जानकारी तक आप पहुंचा पाए कि उनका बच्चा आपका फंसा हुआ? वो मेरी बहन को,
इनको? हमारी बहन की बेटी है, वो यूक्रेन में फंसी हुई थी, वहाँ बहुत स्ट्रगल किया है उसने यहाँ तक आने के लिए, मतलब दूसरा जन्म मिला है उसको यहाँ तक पहुँचने के बहुत लिए। ठंडी में थी, बहुत ठंड में थे, वहाँ पर ना पानी था पीने के लिए, ना कुछ खाने के लिए था। बच्चे जो भी वहाँ पर फंसे हुए, मैं तो मालिक से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाए, अपने पेरेंट्स के साथ मिल जाए, क्योंकि पेरेंट्स भी इतने एक्साइटेड है कि बच्चों के मतलब घबरा गए। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, आपकी आँख में आंसू भी हैं। अब आपकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है, आपका बच्चा सुरक्षित मुंबई आ चुका है। मन में ऐसे दगदग हो रही कि जल्दी आए और जल्दी हम लोग उनसे मिले। भाई आ रहे हैं। खुशी है आपकी? बहुत खुशी है। मोदी का शुक्राना करेंगे। बहुत 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 गंगा अभियान के थ्रू आ रहे हैं। बहुत अच्छा किया हमारे लिए, तो बहुत अच्छा किया। जाहिर तौर पर जो टेंशन थी, अब चेहरे पर साफ तौर पर अब आंखों में आंसू देख सकते हैं इन पेरेंट्स के, कि मैम खुशी अब चेहरे पर कि बच्चा आपका मुंबई सुरक्षित। मिक्स इमोशंस है हमारे, खुशी के मारे अभी हम तो कांप रहे हैं, और कल तक तो डरे हुए थे हम लोग। कब से आपका बच्चा फंसा हुआ? फर्स्ट डे से। एक्चुअली शी वॉज कमिंग देयर ऑन 24th, उसकी फ्लाइट थी, वो फ्लाइट के लिए ट्रेन में बैठ रही थी, बट अचानक से फ़ोन आया उनको कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो गए और हम तो पूरे ठंडे पड़ गए। वो वहाँ पर, हम यहाँ पर, आप समझ सकते हो हमारी स्थिति कैसी हो। आपके चेहरे पर खुशी बता रही है कि आप खुश। थैंक्स टू हमारी गवर्नमेंट जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी सारे बच्चों को जल्द से जल्द आए, सारे माता पिताओं को ठंडक पड़ जाएगी। साफ तौर पर यहाँ पर खुशी आप देख सकती हैं शिवानी की, बच्चे जो फ्लाइट यहाँ पर लैंड हुई है उसके जरिए जिनके बच्चे यहाँ मुंबई में आ चुके हैं उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। दर्द भी था, टेंशन भी थी, बिल्कुल दिवाकर चेहरे पर खुशी है, एक सुकून महसूस कर रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे वक्त से 24 तारीख से बच्चे वहां पर फंसे हुए थे, और जैसा कि परिजन भी कह रहे हैं फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, उसके बाद से ही वो लोग घबराए हुए थे कि आखिर उनके बच्चे कैसे वापस निकल कर सामने आएंगे। लेकिन देखिए मुंबई में ये जो प्लेन है, ये वैसे मुंबई के हिसाब से तो दूसरा फ्लाइट है, लेकिन कुल मिलाकर मिशन गंगा के तहत अब तक ये 7वीं फ्लाइट है जो इन छात्रों को लेकर आ रही है। और लगातार हमारे सहयोगी दिवाकर वहां से जुड़े हुए, मुंबई एयरपोर्ट से लाइव हमारे साथ। दिवाकर, अगर पीछे की तस्वीरें भी आप दिखा पाए और किस तरीके की हलचल वहां पर बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि आपने कहा सुरक्षा के भी इंतजाम किए जा रहे हैं, लगातार जो परिजन है वो आ रहे हैं, कितनी देर में छात्र निकलकर बाहर आएंगे? देखिए शिवानी, 7:30 बजे के आसपास से फ्लाइट जो है वो लैंड हुई है मुंबई एयरपोर्ट पर, और उसी के बाद से आप सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं। सिर्फ CISF की सिक्योरिटी नहीं आपको नजर आएगी, बल्कि मुंबई पुलिस के तमाम जवान यहां पे सुरक्षा के तौर पर तैनात किए गए हैं, ताकि जो बच्चे यहां मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं वो सुरक्षित यहां से निकल कर अपने घरों तक पहुंच सकें। और मैं आपको रास्ता दिखा दूं, जहां से जानकारी मिल रही है कि यहां यहीं से इसी रास्ते से जो है ये बच्चे जो बुखारेस्ट से फ्लाइट आई है मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की, इसी रास्ते से निकलेंगे। और आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि तैयारियां वगैरह आपको नजर आएंगी, कि वो बच्चे धीरे धीरे करके अब बाहर की तरफ आना शुरू होंगे, क्योंकि आधे घंटे का वक्त करीब करीब हो चुका है फ्लाइट को लैंड हुए। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद ये बच्चे बाहर आएंगे, जब अपने परिजनों से मिलेंगे, जो परिजन काफी दिनों से उनका इंतजार कर रहे थे कि वो सुरक्षित घर वापस आ जाएं, उनके चेहरे पर वो खुशी देखने लायक होगी। और साफ तौर पर मैं एक और पेरेंट्स से अगर आपको बात करना चाहूँ तो ये पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात कराता हूँ। मैम, कब से आपका बच्चा फंसा हुआ था? फ्लाइट लैंड हो चुकी है, आपका बच्चा आ चुका है, तो चेहरे पर थोड़ी खुशी, मन में खुशी? खुशी तो बहुत है कि बच्चा फाइनली आ चुका है इंडिया एयरपोर्ट के, अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। अब मैं बोल नहीं सकती वो हैप्पीनेस क्या है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितनी खुशी आपका बच्चा फ्लाइट लैंड हो चुकी है, आपसे कुछ देर बाद वापस है। बहुत हैप्पीनेस है, मैं बहुत हैप्पीनेस हूँ। जब वहाँ पे था तो बहुत टेंशन में था और बहुत डर था मन में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बच्चे लोग आएंगे कि नहीं, और क्या बॉर्डर पे वापस सील होता है, क्या होता है, कुछ बोल सकते नहीं। लेकिन अभी आ रहा है बच्चा, तो बहुत खुश हो। ऑपरेशन गंगा सरकार ने चलाया हुआ है, बहुत नहीं, मोदी साहब का तो बहुत बड़ा हमारे पर उपकार है कि उन्होंने पुतिन साहब से बात करके बच्चों को इंडियन एम्बेसी से बच्चों को हेल्प किया और उनको बाहर निकलने में मदद की। किस इलाके में बच्चा आपका फंसा? मेरा बच्चा फंसा था चन्नी यूनिवर्सिटी। हाँ, यूक्रेन में अंदर स्टेट में आता हूँ। तो वहाँ से आपका बच्चा यहाँ पे लैंड हो चुका, आपको जानकारी मिली? मैं जानकारी तो अभी फ्लाइट अभी आ ही रहा है, आ गई है। हाँ, फ्लाइट आ रही है अभी, 6:30 फ्लाइट आ गई है, फिलहाल लैंड हो गई है। तो अभी खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है? बहुत खुशी है, अभी हम बहुत खुश है, और धन्यवाद करेंगे इंडियन एम्बेसी को कि हमारे इंडियंस बच्चे सारे आ चुके हैं इंडिया में सेफली।
जो भी आए हैं। जाहिर तौर पर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए सिवानी आए हैं, मैं आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किस तरह से उनके चेहरे पर खुशी है। और ये खुशी होनी भी चाहिए क्योंकि सुरक्षित उनके बच्चे अब एक एक करके जो है भारत वापस आ रहे हैं। सरकार लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत अलग अलग फ्लाइट्स को भेजकर अलग अलग रास्तों के जरिए, जो रास्ते जहां नहीं बन पा रहे हैं वहां बनाकर उन रास्तों के जरिए तमाम बच्चों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में आप मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर अगर फिर आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ पे हलचल आप देख सकते हैं कि CISF की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अब बढ़ा दी गई है और तमाम CISF के जवान आपको जो नजर आ रहे हैं, यानी पूरी तैयारी हो चुकी है कि अब से थोड़ी देर बाद जो बच्चे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं वो यहीं से धीरे एक एक करके निकलना शुरू होंगे। साफ तौर पर उनके चेहरे पर भी खुशी होगी अपने परिजनों से मिलने की, और परिजनों को खुशी होगी अपने बच्चों को फिर से वापस सामने देख कर। तो साफ तौर पर एक इमोशनल मोमेंट भी होगा उस वक्त जो है, और जाहिर तौर पर तमाम पेरेंट्स जो है वो टेंशन में थे। हालांकि सरकार की कोशिशें यही है कि तमाम और लोग वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। दिवाकर, हिंदुस्तान की भूमि पर कदम रख दिया है इस फ्लाइट ने और कई बच्चों को लेकर यहां पर पहुंची हुई, और सुकून जिस तरीके से परिजनों का आपने देखा, और यही सुकून अब कुछ ही देर में जो छात्र वहां से निकलकर सामने आएंगे उनके चेहरे पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी भयानक स्थिति इस वक्त यूक्रेन में है। और ये मेडिकल के छात्र थे जो वहां पर लगातार मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, करीबन कोई 3 साल से तो कोई 2 साल से, और ऐसे में जब युद्ध की स्थिति पैदा हुई तो उस वक्त वहां के एयरबेस बंद कर दिए गए, और यही वजह रही कि वो लोग वहां पर फंस गए। फिर बॉर्डर के क्षेत्र से उनको निकालने की कोशिश की गई, और मुंबई एयरपोर्ट से लगातार हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं इस वक्त, नारायण राणे अंदर फ्लाइट में भी गए और बच्चों से भी उन्होंने बातचीत की। देखिए शिवानी, खास तौर पर एक संदेश देने की भी कोशिश है उन बच्चों को जो वहाँ फंसे हुए हैं कि भारत सरकार आपके साथ है, इंडियन एम्बेसी आपके साथ है। और दिवाकर, ये लाइव तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट से, ये बच्चे निकलकर अब बाहर आ गए हैं। फ्लाइट पहुंची थी कुछ ही देर पहले और अब जो परिजन बाहर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पलके बिछाए, कुछ ही देर में उनको वो देख लेंगे। उनकी झलक पाने के लिए उनके परिजन लगातार डटे हुए हैं, और तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट से जो आप देख रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत ये बच्चे आज भारत आ गए हैं, यूक्रेन से इनकी वतन वापसी हो गई है और चेहरे खिल उठे हैं इनके, सुकून महसूस कर रहे हैं, एक संतुष्टि इनके चेहरे पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ ही देर बाद ये अपने परिजनों से भी यहां पर मिल लेंगे।